आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सामा और कुट्टू के देसी मफिन्स और पैनकेक। सामा के गुण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आज मैं बात करूँगी कुट्टू की। कुट्टू गुणों की खान है, उसको सुपर फूड कहा गया है, ग्लूटेन फ्री है, एक अच्छा सोर्स है फाइबर, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड ड्यूटिन का, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। सामा, गुड़, केला और दालचीनी को ग्राइंडर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालें, आधा तिल बैटर में डालें और आधा ऊपर से डालने के लिए रख लें। अब पे पैन को तेज आंच पे गरम करिए, उसमें देसी घी की ऑयलिंग करिए। अब उसमें बैटर को डाल दीजिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। कुट्टू खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाता है, इससे वेट लॉस होता है, इसमें नाइसिन और विटामिन B3 मिलता है। इतना ध्यान रखिए कि कुट्टू का आटा पुराना नहीं होना चाहिए और एक महीने के अंदर ही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। मफिन्स एक तरफ से सेक जाएं तो पलट कर उनको दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए सेक लें। चलिए अब उसी बैटर से पैनकेक बनाते हैं। पैन को गर्म करिए, उसमें थोड़ी सी देसी घी डालिए। जब पैन खूब गर्म हो जाए तो उसको लो फ्लेम पे करके उसमें 2 स्कूप बैटर डालिए, फैलाइए और थोड़े देर पकने दीजिए। आप उसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जब एक तरफ से पक जाए तो उसको पलट दीजिए। आप पलटने से पहले थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं। लीजिए मज़ेदार पैनकेक और मफिन्स तैयार हैं। सौटे की हुई सब्जियां और दही के साथ खाली सजाइए और पेश करिए। पूरे दिन के व्रत के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ आपसे एक और हेल्दी व्रत की रेसिपी के साथ।